हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है एंड वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट को समझना चाहते हैं। तो अगर एक छोटा सा जिस्ट लेके चलूँ तो हमने यही स्टडी किया था कि वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रैवल करता है, इसीलिए वाटर रूट एरिया से शूट एरिया में मूव करता है बिकॉज एज कम्पेयर टू द रूट एरिया का वाटर पोटेंशियल हाई होता है एज कम्पेयर टू द शूट एरिया, राइट। एंड दिस इज अ रीजन कि क्यों जो है रूट से शूट की तरफ वाटर ट्रैवल करता है। आज हम यही देखेंगे, ये तो हमें रीजन पता चला कि क्यों ट्रैवल करता है, दैट इज फ्रॉम रूट टू शूट। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म कि कैसे ट्रैवल करता है, ठीक है। ओके, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड द कंडक्टिंग टिश्यू। यानी सीधी सी बात है, अगर आप मार्केट जाते हो तो वेरी ऑब्वियस ऐसा तो नहीं है ना कि दैट इज योर प्याज, गोभी, भिंडी, आलू, ये सबको हाथ में रख कर लेके आओ, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करते हो, आप कोई कैरी बैग जो है अपने साथ रखते हो, इट मे बी ऑफ अ एनी टाइप। तो सिमिलरली मतलब आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके कि जिसके अंदर आप जितनी भी चीज़ें परचेज करोगे उन सभी चीज़ों को लेकर आओगे। सो यू आर हैविंग दैट टाइप ऑफ सिस्टम जो कि उसको कैरी करके लेकर आएगा। सिमिलरली अगर वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करना है या फिर प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का होता है, आयंस का होता है, इन सब का ट्रांसपोर्ट किसी ना किसी के थ्रू होता होगा, राइट। ऐसा तो आपके घर में भी, जैसे कि जब वाटर सप्लाई होती है तो ऐसा तो नहीं है कि वाटर ड्रॉप ड्रॉप करके आपके घर में आता हो, बिल्कुल नहीं। आपके घर में एक वाटर सप्लाई है, दैट इज़ वाटर का पाइप लगा हुआ है, उस पाइप के थ्रू आपके घर में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, दैट इज़ वाटर का सप्लाई। और वहाँ से जो है आप जितना भी आपका रिक्वायरमेंट होता है उतना आप वहाँ से ऑब्टेन कर लेते हो। सिमिलर बेसिस पे अगर हम बात करते हैं प्लांट में, तो प्लांट में भी ऐसा पाइप सिस्टम होता है, यानी कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्ट करवाने का सिस्टम, यानी इन सारे ट्रांसपोर्ट को करवाने का सिस्टम, दैट इज व्हाट द कंडक्टिंग टिश्यू। अब ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है ये एक्चुअल में क्या करवाती है, इनका काम ही होता है ट्रांसपोर्ट करवाना। अब ये ट्रांसपोर्ट फूड का हो सकता है, दैट इज वाटर का हो सकता है, आयंस का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो कंडक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं, इन्हीं को हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं और ये प्रेजेंट रहते हैं वैस्कुलर प्लांट्स में। वैस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास दैट इज जाइलम एंड फिलोयम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फिलोयम जिनके पास प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज व्हाट द वैस्कुलर प्लांट, बिकॉज दीज आर टर्म्ड एज अ वैस्कुलर टिश्यू। सो जाइलम एंड फिलोयम जो होते हैं ये दोनों टिश्यू इन्वॉल्व हैं ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। और जब भी जाइलम एंड फिलोयम प्रेजेंट रहते हैं तो हम कहते हैं लाइक द प्लांट इज हैविंग अ वास्कुलर बंडल। सो द प्लांट विच आर हैविंग अ वास्कुलर बंडल दे विल बी टर्म्ड एज अ वास्कुलर प्लांट। एंड इन वास्कुलर प्लांट वी मेनली यूज टू कंसिडर कि यस उस पर्टिकुलर प्लांट्स के पास वास्कुलर बंडल है, दैट मीन्स उसके पास जाइलम एंड फिलोयम टिश्यू है और ये दोनों टिश्यू जो है ट्रांसपोर्ट करवाते हैं प्लांट में। जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट में सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही दोनों लेते हैं। तो अब मेन इस पे लाइक डिफरेंसेस कहाँ आते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोयम दोनों का डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जाइलम का मैक्सिमम काम होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट को करवाना, इसके अलावा आयन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, ठीक है। यानी प्लांट के अंदर वाटर एंड आयन का ट्रांसपोर्ट ऑब्लिक न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है। जाइलम एक्चुअल में डेड टिश्यू होते हैं बिकॉज एज बिकॉज ये वाटर ट्रैवल लाइक वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सो दे नीड टू बी हॉलो इन कंडीशन। तो मैक्सिमम देखा जाता है कि जाइलम आर डेड टिश्यू। अब जाइलम लाइक जाइलम एक बड़ी सी आप कह सकते हो एक एनालॉजी लें तो जाइलम इज अ हेड ऑफ द फैमिली, उस फैमिली में और भी छोटे छोटे से मेंबर होंगे। तो सिमिलरली जाइलम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, पहले का नाम होता है जाइलम वेसल्स, देन ट्रैकेट्स, देन जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। वेसल्स मेनली एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है, ट्रैकेट्स जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है,
पैरेन्काइमा इकलौता ऐसा जाइलम टिश्यू है जो कि जाइलम कंपोनेंट है जो कि लिविंग है, एंड जाइलम फाइबर इज द लास्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि जाइलम कंपोनेंट टोटल चार चीजों से मिलकर बना है, वेसल्स, ट्रैकेट्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर, जिसमें से वेसल्स एंड ट्रैकेट्स का मेनली काम होता है दैट इज द ट्रांसपोर्ट को करवाना। एंजियोस्पर्म में जितना भी वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है वो वेसल्स करवाते हैं, जिम्नोस्पर्म में जितना भी वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रैकेट्स करवाते हैं। पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स जो होते हैं, जाइलम फाइबर्स, इनका फंक्शनिंग किसी और बेसिस पे चलता है, लेकिन हमारा मेन फोकस है कि वेसल्स एंड ट्रैकेट्स क्या क्या करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वेसल्स एंड ट्रैकेट्स को साथ में मिलाकर हम ट्रेकेरी एलिमेंट्स कहते हैं, एंड वी यूज टू से दैट द ट्रेकेरी एलिमेंट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड आयरन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये हो गई जाइलम की कहानी। नेक्स्ट आते हैं फ्लोयम पे। फ्लोयम पे माना जाता है कि फ्लोयम आर लिविंग टिश्यू, जैसे कि जाइलम मैक्सिमम दे आर डेड टिश्यू, राइट, फ्लोयम लिविंग टिश्यू होता है एक्सेप्ट वन। जैसे कि जाइलम में सारे डेड टिश्यू थे एक्सेप्ट फ्लोयम पैर सॉरी जाइलम पैरेन्काइमा, तो जाइलम में सारे के सारे डेड टिश्यू थे एक्सेप्ट द जाइलम पैरेन्काइमा। सिमिलरली फ्लोयम में भी सारे के सारे लिविंग टिश्यू है एक्सेप्ट वन, तो वो भी हम देख लेंगे। तो फ्लोयम का मेन काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, मैक्सिमम प्लांट में जितने भी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि खाना बनने वाला एरिया यानी फोटोसिंथेसिस वाला एरिया होता है दैट इज लीफ। अब लीफ एरिया में खाना बनाए तो उसको पूरे प्लांट बॉडी में सर्कुलेट करना पड़ता है, उस सर्कुलेशन को करवाने का या ट्रांसपोर्ट को करवाने का काम होता है दैट इज किसका, फ्लोयम का। ठीक है, दे आर मैक्सिमम लिविंग टिश्यू। फ्लोयम कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें सीव ट्यूब चले आते हैं, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोयम फाइबर एंड फ्लोयम पैरेन्काइमा। तो देखने को ये मिलता है कि फ्लोयम के कंपोनेंट में भी सीव ट्यूब जो है दैट इज एंजियोस्पर्म में फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, सीव सेल्स जिम्नोस्पर्म में करते हैं, कंपेनियन सेल भी ट्रांसपोर्ट में ही हेल्प करता है, और इसके अलावा जो फ्लोयम फाइबर है इट इज द ओनली डेड टिश्यू इन केस ऑफ अ फ्लोयम कंपोनेंट, एंड लास्ट इज द फ्लोयम पैरेन्काइमा। तो ये यहाँ पे कुछ आपके पास कंपोनेंट हो गए दैट इज फ्लोयम के, और इनको ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों का लाइक वहाँ पे फंक्शनिंग आपको देखने को मिलेगा। मेक श्योर अगर मैं कह रही हूँ कि सीव ट्यूब एंजियोस्पर्म में काम करता है दैट मीन्स एंजियोस्पर्म में सिर्फ सीव ट्यूब होता है, ठीक है, और अगर मैं जिम्नोस्पर्म में बात करूँ दैट मीन्स उसमें सिर्फ सीव सेल्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म पे क्वेश्चन आते रहते हैं कि जिम्नोस्पर्म में वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है, एंजियोस्पर्म में फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट केस इज दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ऑल्दो स्ट्रक्चर ऑफ रूट जो है दैट इज एज सच हम एनाटॉमिकल बेसिस पे स्टडी नहीं करने वाले, लेकिन जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तब हमें ज़रूरत होता है जानने का कि रूट में स्ट्रक्चर कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे दैट इज इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को, इतने पोर्शन को हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है, कि ये दिखेगा कैसे, अगर एक बड़े लेवल पे देखना चाहेंगे तो ये कैसे दिखेगा। तो जो सबसे पहले लेयर होती है दैट इज रूट में, वो आपको बाहर की तरफ देखने को मिलेगा दैट इज द रूट हेयर, ठीक है, दीज आर दी रूट हेयर्स, और ये रूट हेयर्स को माना जाता है कि दीज आर दी एक्सटेंशन ऑफ व्हाट दैट इज दी एपिडर्मिस, यानी जो सबसे पहला लेयर पाया जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं दैट इज योर एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद जो सेल्स देखी जाती है दैट इज इन केस ऑफ अ प्लांट, वो सेल्स क्या कहलाती है, वो सेल्स कहलाती है दैट इज कॉर्टेक्स। आपको ये इसलिए मैं समझा रही हूँ क्योंकि सब जब मैं आपको प्लांट का ट्रांसपोर्ट समझाऊंगी तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये लेयर कौन सी हो गई, ये सेल की लेयर हो गई दैट इज योर कॉर्टेक्स। मैं आपको एक एनाटॉमी बता रही हूँ कि रूट वाले जोन में कैसे कैसे सेल्स देखने को मिलते हैं। कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर आती है सेल की वो होती है दैट इज योर एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एंडोडर्मिस इज दी लेयर, ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ, दिस इज अ एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस में एक प्रॉब्लम है, एंडोडर्मिस के लिए प्रॉब्लम नहीं है बट यस किसी और चीज के लिए एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि एंडोडर्मिस में जो है एक आप कह सकते हो एक लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की
ऑब्लिक आप कह सकते हो, एक इम्पॉमिएबल लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है दैट इज लिगनिन एंड सुबेरिन का बना होता है, और ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि वाटर को अलाउ नहीं करते हैं पास होने के लिए। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज अ कैस्पेरियन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इट इज इम्पॉमिएबल, ओके, नॉट अलाउ वाटर। इम्पॉमिएबल होता है वाटर के लिए, वाटर को पास होने नहीं देता है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वॉट, दैट इज दी सुबेरिन एंड लिगनिन, और इसकी वजह से ये इम्पॉमिएबल माना जाता है। इसके बाद जो हमें लेयर देखने को मिलती है दैट इज वॉट दी इसको हम दैट इज योर फ्लोयम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लेयर होती है दैट इज दी फ्लोयम, पीएच इसको लिख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट जो लेयर पाई जाती है दैट इज नेक्स्ट एंड में, उसे हम कह सकते हैं दैट इज दी जाइलम, दिस इज जाइलम। तो सिंपल सी कहानी ये है कि जब वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको ये जो एरिया है दैट इज अ सॉइल एरिया, सॉइल में ही सबसे पहले वाटर आएगा, तो उस वाटर को इस पर्टिकुलर एरिया से इस एरिया में ट्रैवल करना पड़ेगा जाइलम तक। क्यों? क्योंकि जाइलम ही तो वाटर को फिर पूरे प्लांट में पहुंचाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट सॉइल एरिया से जाइलम एरिया में होता है, एंड जाइलम के बाद फिर कहाँ ट्रैवल करेगा, दैट इज प्लांट में अपवर्ड ट्रैवल करेगा, जिसे हम कहते हैं क्या, दैट इज दी ट्रांसफर ऑफ वाटर। उसके बाद ये पूरे प्लांट में, तो दो स्टेजेस पे होता है, एक स्टेज ये होता है जब वाटर सॉइल से जाइलम में आता है, उसके बाद क्या होता है जब जाइलम से पूरे प्लांट में जाता है। ये दो स्टेजेस पे वाटर का ट्रांसपोर्ट देखा जाता है। याद रखिएगा आप ये चीज कि ये जो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये वाटर को अलाउ नहीं करता है। तो कहानी ये आती है कि जब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर को अलाउ नहीं करता है, तो जब वाटर इन सेल्स से एंटर करके एंडोडर्मिस में आता है, तब ये वाटर इस पर्टिकुलर लेयर को कैसे क्रॉस करता है, क्योंकि अगर ये क्रॉस ना करे तो क्या देखने को मिलेगा कि ये जाइलम तक पहुंचेगा ही नहीं, जाइलम तक वाटर पहुंचेगा नहीं, तो फिर प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहीं पे कुछ ट्रांसपोर्ट के टाइप चले आते हैं, उन टाइप्स को जब हम पढ़ेंगे तो इजीली समझ पाएंगे कि ये क्या काम करता है। याद रखिएगा कैस्पियन स्ट्रिप का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैस्पियन स्ट्रिप्स हम ये कहते हैं कि वो दैट इज वाटर को अलाउ नहीं करता है प्रॉपरली पास होने के लिए। क्यों अलाउ नहीं करता है वो हमने देख लिया नेचर की वजह से, तो बात आती है फिर वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, ये भी देख लेते हैं। सो देर इज अ टोटल टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहला है एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट एंड द सेकेंड इज द सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट। ये आपके सामने दो सेल्स हैं, राइट? सेल जब आप देख रहे हो उसको, तो यहाँ पे एक स्पेस आपको दिख रहा है जिसको कि मैं हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ। ये जो जोन होता है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया, इसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज एपोप्लास्टिक एरिया। तो एपोप्लास्ट क्या होता है, एपोप्लास्ट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द टू सेल वॉल स्पेस ऑफ एडजेसेंट सेल, यानी सीधी सी बात कहें तो इंटर सेलुलर स्पेस, इसी को हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस, इस वाले रीजन को। तो जब भी वाटर ट्रैवल करता है इंटर सेलुलर स्पेस के थ्रू, तब हम कहते हैं द वाटर इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एपोप्लास्टिक पाथवे, जिसमें कि दो सेल के इंटर सेलुलर स्पेस इन्वॉल्व होते हैं। और ये एपोप्लास्टिक पाथवे सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक चल सकता है, एंडोडर्मिस तक। एंडोडर्मिस में जब कैस्पेरियन स्ट्रिप से ये वाटर टकराएगा तब ये एपोप्लास्टिक पाथवे रुक जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि कैस्पेरियन स्ट्रिप एपोप्लास्टिक पाथवे को हॉल्ट कर देता है, रोक देता है। अब बात आती है कि फिर एपोप्लास्टिक पाथवे से फिर वाटर आगे कैसे मूव करता है, उसके लिए वो सेकेंड पाथवे लेता है जिसे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट। सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर एंटर कर जाना। और कैस्पेरियन स्ट्रिप ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते हैं, जैसे कि अगर मैं एंडोडर्मिस बनाना चाहूँ, अभी तो मैंने आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाया था, मान लीजिए दिस इज अ सेल, ठीक है,
तो कैस्पियन स्टेप ये जो बीच में जो स्पेस रहता है इसके यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसलिए वाटर जब मूव करता है तो वो यहाँ से मूव नहीं कर पाता क्योंकि सारा रास्ता तो बंद हो चुका है। तो अब क्या करेगा, ये वाटर या इसको तो क्रॉस नहीं कर सकता जिसे हम कह रहे हैं कैस्पियन स्ट्रिप, तो इस वाटर को एंटर करना पड़ता है सेल के अंदर। और सेल के अंदर जो है सेल टू सेल कनेक्शन हो रखा है विद द हेल्प ऑफ अ दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, यानी एक सेल अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ दिस इज अ वन सेल, ठीक है। इसके बाद ये सेल दूसरे सेल से कैसे कनेक्ट होकर रखा है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, जो बिल्कुल गैप जंक्शन की तरह काम करता है इन केस ऑफ अ प्लांट। ये एस सेल्स जो होते हैं ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं, अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो जब ये वाटर सेल के अंदर एंटर करता है तो वाटर फिर कैसे ट्रैवल करता है, इस प्लाज्मोडेस्माटा ये जो जोन है दैट इज व्हाट कॉल्ड द प्लाज्मो डेस्माटा, यहां से यहां वाटर मूव करना शुरू करता है। और जब सेल प्लाज्मो जब वाटर जो है प्लाज्मो डेस्माटा के थ्रू मूव करना शुरू करता है तब हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज द सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट। सो द सिम्प्लास्ट पाथवे इज वेयर वाटर मूव बिटवीन द साइटोप्लाज्म और द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट सेल थ्रू द प्लाज्मो डेस्माटा। क्योंकि ये देखिए ये ग्रीन कलर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये देखिए, ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट क्या बता रहा है, ये ट्रांसपोर्ट बता रहा है दैट इज सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट। और ये बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ये वाला एरिया दैट इज व्हाट कॉल्ड द प्लाज्मो डेस्माटा। और ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है ट्रांसपोर्ट दैट इज एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट। तो अगर वाटर स्टार्टिंग से ही एपोप्लास्ट पाथवे लिया है तो उसको एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के लिए सिम्प्लास्ट पाथवे लेना पड़ता है। और अगर पाप दैट इज वाटर ने स्टार्टिंग से ही सिम्प्लास्ट पाथवे लिया है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेल टू सेल जो है आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, दैट इज एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के लिए, ऑब्लिक आप कह सकते हो कैस्पीरियन स्ट्रिप को क्रॉस करने के लिए सिम्प्लास्टिक पाथवे लिया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि वाटर जो है एक सेल के साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। यानी यहाँ पे साइटोप्लाज्म का रिलेशन बनता है क्योंकि वाटर जो है एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है, जो कि एपोप्लास्टिक पाथवे में देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ इंटर सेलुलर स्पेस के थ्रू वाटर मूव करता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं, अगर वाटर को इधर से सिर्फ इधर मूव करना है तो ये कौन सा पाथवे लेगा, एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। लेकिन अगर वाटर को यहां से यहां मूव करना है तो ये किस कौन सा पाथवे लेगा, दैट इज सिम्प्लास्टिक पाथवे लेगा। और जैसे ही ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एरिया को ये क्रॉस कर लेगा ये वापस से कहाँ चला आएगा, वापस से ये एपोप्लास्टिक पाथवे में ही चला आएगा। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि सिर्फ एंडोडर्मिस वाले एरिया को क्रॉस करने के लिए वो सिम प्लास्टिक पाथवे का रूट लेगा। दिस वॉज द होल थिंग रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जिसमें कि एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट एंड सिम प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट को लिया जाता है। मेक श्योर इस पे ऑलरेडी गेट जो है क्वेश्चन पूछ चुका है कि एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैस्पियन स्ट्रिप, कैस्पियन स्ट्रिप किस टाइप के ट्रांसपोर्ट को रोकने का काम करता है या किस टाइप के ट्रांसपोर्ट को दैट इज हॉल्ट करता है या डिस्टर्ब करता है। तो कैस्पियन स्ट्रिप के कारण सिम्प्लास्ट पाथवे कभी डिस्टर्ब नहीं होता है क्योंकि सिम्प्लास्टिक पाथवे में कैस्पियन स्ट्रिप का इन्वॉल्वमेंट देखा ही नहीं जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करता है एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट को। ओके अगेन यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखा के रखा है मैंने आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ अ सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि जो आउटर आउटर साइड में जो स्पेस होता है सेल के वहां से वाटर मेनली डिफ्यूज हो रहा होता है। या फिर अगर एक रफ डायग्राम बना के देखें तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि जो ये जो इंटर सेलुलर स्पेस है वाटर वहां से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर सिम प्लास्टिक की बात करें तो एक एक सेल को क्रॉस करके जो है दैट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा वाटर ट्रैवल करता है, दैट इज इन द केस ऑफ अ सिम प्लास्ट ट्रांसपोर्ट। तो हम कहते हैं यहाँ पे एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से भी, मतलब वाटर जो है एक सेल के साइटोप्लाज्म एंड दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से भी कनेक्ट होता हुआ दैट इज पास ऑन होता है। दिस वॉज दी होल थिंग रिगार्डिंग द सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट। एंड याद रखिएगा प्लाज्मोडेस्माटा का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब भी क्वेश्चन में आप प्लाज्मोडेस्माटा से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में देखें तो आप समझिएगा कि वहां पे सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है। अब देख लेते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मतलब कि वो जाइलम तक पहुंचा कैसे, ठीक है। तो सी दिस,
ये वाला एरिया हो गया दैट इज सॉइल का. सॉइल में वाटर आया, वाटर को जो है रूट हेयर एब्जॉर्व करता है बाय द हेल्प ऑफ अ ऑस्मोसिस प्रोसेस. ठीक है, बिकॉज ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमने ऑलरेडी देखा था कि इट इज अ टाइप ऑफ अ दैट इज डिफ्यूजन, जिसमें कि वाटर का मूवमेंट होता है अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ. तो वाटर का कंसेंट्रेशन हाई यहाँ है, लो रूट हेयर में है, तो हाई से लो में ट्रैवल करेगा दैट इज थ्रू द ऑस्मोसिस. अब क्या होगा, ये वाला एरिया दैट इज एपिडर्मिस है. इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे, तो दैट इज ये मूव कर रहा है कहाँ से, इंटरसेलुलर स्पेस से. देखिए सेल्स के, दो सेल के बीच में जो स्पेस है वहां से ये मूव कर रहा है. तो ये अभी तक क्या हो गया, ये अभी तक जो है दैट इज एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट यहां तक लिया है. लेकिन जैसे ही एंडोडर्मिस एरिया में, ये जो ब्लैक कलर के सेल्स बने हैं दैट इज व्हाट द एंडोडर्मिस एरिया. एंडोडर्मिस एरिया में आप देख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस वाले रीजन में दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है. तो अब इंटरसेलुलर स्पेस तो बचा नहीं, तो वाटर क्या करेगा, वाटर ने देखिए फिर सेल के अंदर एंट्री ले ली है. ये जो सेल के अंदर एंट्री ली है, तो एक सेल से, यहाँ पे तो सिर्फ मैंने एक एक सेल दिखा रखा है, इसके बाद भी बहुत से सेल होंगे दैट इज एंडोडर्मिस एरिया में. तो एक सेल को, एक सेल से क्रॉस करके दूसरे सेल में वो एंटर कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ अ सिम्प्लास्ट. सिम्प्लास्ट में भी किसको क्रॉस करके, दैट इज द प्लाज्मो डेस्माटा के थ्रू, तब जाकर ये ट्रैवल करता है. जैसे ही एंडोडर्मिस इसने ट्रैवल दैट इज क्रॉस किया, उसके बाद ये वापस से एपोप्लास्टिक पाथवे में चला आता है, क्योंकि इसके बाद फ्लोएम है एंड फ्लोएम में वेरी ऑब्वियस कोई भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाए जाते हैं. फिर ये फ्लोएम से दैट इज एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आता है, एंड आफ्टर दैट इट रीचेस टू दी जाइलम. अब जाइलम में पहुंच गया है तो क्या हुआ, दैट इज ये जो रेडियल ट्रांसपोर्ट था वो हो चुका है. अब प्लांट में वर्टिकल ट्रांसपोर्ट की बारी आ गई, यानी प्लांट में जो है वाटर ट्रैवल करवाने का अब जो है दैट इज चांस जनरेट हो गया. तो इनिशियल जो यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिली दैट इज दी वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ. तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो वाटर का एब्जॉर्प्शन एक पैसिव प्रोसेस है, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया, एंड प्रेशर ड्राइवन प्रोसेस, यानी जहाँ पे वाटर का अमाउंट कम है वहां से वो ज्यादा की तरफ ट्रैवल कर रहा है. जो एक्चुअल मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड बल्क फ्लो का. क्या यहां से आप ये कह सकते हो कि एक एक वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा, आंसर इज नो, वाटर बल्क में फ्लो करेगा. तो इस थ्योरी को इसीलिए हम बल्क फ्लो ऑब्लिक मास फ्लो थ्योरी भी कहते हैं. जो यहाँ पे आप रूट हेयर्स देख रहे हैं, रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस. ठीक है, एपिडर्मिस से ही एक्सटेंड होके रूट हेयर्स बने हैं, और जितना ज्यादा रूट हेयर्स होते हैं उतना ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखा जाता है वाटर का. तो इस ढंग से हमने देख लिया कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पैसिव होता है, एक्टिव होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें हमने देख ली. अब यहाँ पे डील करते हैं कि ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब वाटर कहाँ पहुंच गया, जाइलम तक पहुंच गया. अब जाइलम से वाटर को कहाँ पहुंचना है, वर्टिकल, यानी प्लांट में पूरे के पूरे जिस जिस एरिया में दैट इज वाटर की रिक्वायरमेंट है उतने एरिया में अभी से ट्रैवल करना है. तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है किसी टाइप के एक मैकेनिज्म की, जिस मैकेनिज्म का नाम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं दैट इज द ट्रांसपिरेशन पुल. अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल का ही दूसरा नाम यहाँ पे दिया गया है दैट इज कोहेशन टेंशन थ्योरी. इसी को हम ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं. ऐसा क्यों कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ मैं फैक्ट्स बता देती हूँ. ठीक है, जो यहाँ पे पहला फैक्ट्स होता है दैट इज फैक्ट्स है, वो है कोहेशन. ठीक है, कोहेशन वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेशन, उसके बाद हम सारी चीजों को जोड़ देंगे. कोहेशन का मतलब होता है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स जब एक साथ जुड़ते हैं, जैसे कि हो गया दो वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हम कहते हैं इनके बीच में दैट इज कोहेशन इंट्रैक्शन है. ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोहेशन या फिर कोहेशन इंट्रैक्शन, जो कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं, जैसे कि हो गया वाटर. नेक्स्ट आता है दैट इज एडहेशन. एडहेशन किसके बीच में होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है. जैसे कि यहां तो हमने बोला दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग गया, यहां पे किसके बीच में हो सकता है, जाइलम वॉल एंड वाटर के बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली जब वाटर फ्लो कर रहा है तो वेरी ऑब्वियस जाइलम वॉल से वो कनेक्शन रखेगा. तो जब वाटर जाइलम वॉल से कनेक्ट करके फ्लो करता है दैट इज वॉट दैट इज थ्रू दी दैट इज योर एडहेशन इंट्रैक्शन. फिर आता है थर्ड, दैट इज द सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन का काम क्या होता है, सरफेस टेंशन का यहाँ पे मेनली काम होता है कि वाटर मॉलिक्यूल को एक साथ अरेंज करके रखना, ताकि वाटर अपनी आइडेंटिटी कभी कभी जो है लूज ना करे,
और वो वाटर जो यहाँ पे सरफेस टेंशन है, वो वाटर को एक ऐसा स्ट्रेंथ देता है जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दैट इज अपवर्ड साइड में मूव करना शुरू करता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं या तीनों इंट्रैक्शन हैं, एक्चुअल में ये प्लांट को हाई टेंसिल स्ट्रेंथ देते हैं। टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो जल्दी ब्रेकेबल ना बने। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वाटर कॉलम जो डेवलप हुआ है प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो वाटर कॉलम बीच से ही ब्रेक हो जाए। अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, दैट इज वाटर का ट्रांसपोर्ट होना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज वाई हाई टेंसिल स्ट्रेंथ दिया जाता है वाटर को विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इंट्रैक्शन, एज वेल एज उनके पास कैपिलैरिटी आती है, यानी वाटर की टेंडेंसी ऊपर की तरफ मूव करने की, राइट, अपवर्ड साइड में मूव करने की। तो कैपिलैरिटी एंड हाई टेंसिल स्ट्रेंथ के कारण ही प्लांट में जो है वाटर एरियल पार्ट में मूव कर पाता है, एंड देन दैट इज ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होता है। लेकिन इन सब में बात आती है कि चलिए सब कुछ समझ में आ गया कि कोहेशन टेंशन थ्योरी क्यों कहा गया, लेकिन ये ट्रांसपिरेशन पुल क्यों कहा गया? यहाँ तो कहीं भी ट्रांसपिरेशन का कंसेप्ट नहीं आया। तो यहाँ पे आती है एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, ठीक है, चलिए। तो हम मान लेते हैं दिस इज अ प्लांट, ओके, दिस इज अ प्लांट। हमने ये देखा है, लाइक आई थिंक मैंने कुछ वीडियो पहले ही आपको बताया था व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है दैट इज वाटर का लूज होना इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। अब ये जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में से वाटर का लू लाइक लॉस हो रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये इस एरिया के वाटर पोटेंशियल को कम कर दे रहा है। और आज बिकॉज रूट एरिया में लगातार वाटर की गेनिंग हो रही है, तो यहां पे रूट एरिया में जो वाटर का पोटेंशियल होता है वो बहुत हाई होता है। और आपको मैं बता चुकी हूं कि वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है। अब यहां पे देखा जाए तो कहां से कहां ट्रैवल करेगा, ये रहा दैट इज एरियल पार्ट एंड दिस इज अ रूट एरिया। तो वाटर कहां से कहां ट्रैवल करेगा, वाटर अकॉर्डिंग टू द वाटर पोटेंशियल कंसेप्ट, वाटर अपने हायर वाटर पोटेंशियल से ट्रैवल करता है लो वाटर पोटेंशियल पे। तो अब ये वाटर को कहां जाना चाहिए, अब ये वाटर को जो है रूट एरिया से शूट एरिया की तरफ, जिसे हम कहते हैं एरियल पार्ट, वहां जाना चाहिए। तो ये जो वाटर की नीड क्रिएट हुई है, ये किसकी वजह से क्रिएट हुई है, ट्रांसपीरेशन की वजह से क्रिएट हुई है। एंड एज बिकॉज वाटर को दैट इज डाउन डाउन एरिया से पुल किया जा रहा है, दैट इज वाई हम इसे नाम देते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, यानी वाटर की ऐसी नीड जो कि ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्रिएट हुई है, और पुलिंग इफेक्ट शो करके वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है, दैट इज वॉट कॉल द ट्रांसपीरेशन पुल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक जस्ट फॉर अ रफ एग्जाम्पल मान लेती हूँ, दिस इज अ जाइलम वेसल, ठीक है, मान लेते हैं ये जाइलम वेसल है और इसमें वाटर को ट्रैवल करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, राइट, ये जो ब्लू ब्लू कलर के बना रही दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल। अब इनके बीच में ये जो फोर्स लगा है वो कैसा है, दैट इज द कोहेशन, कोहेशन फोर्स। लेकिन साथ साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो और भी किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, जाइलम के वॉल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि इनको वॉल के साथ कनेक्ट रहना। अगर ये यहां से इस ढंग से मैं बताती हूँ कि दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, तो वेरी ऑब्वियस इनको जाइलम वॉल से भी कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इनको ट्रैवल करना है, राइट। वॉल को छोड़ के तो ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि एक पुलिंग इफेक्ट रहेगा, तो एक अच्छे खासे फोर्स के साथ इनको कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये जो जाइलम के साथ इन्होंने कनेक्टिविटी बनाई है, दैट इज थ्रू द एडहेशन फोर्स। और रही सरफेस टेंशन की बात, तो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट तो हम क्लास 12 से पढ़ रहे हैं। सरफेस टेंशन क्या करता है, सिंपल भाषा में कहें तो सरफेस टेंशन वाटर को अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखने देता है, कि वाटर की जो आइडेंटिटी है कि यस उसका जो है दैट इज जब भी आप उसको ड्रॉप आउट करते हो तो वो एक स्फेरिकल फॉर्म में जाता है, उसका एक स्ट्रेंथ है जिससे कि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में दैट इज आप कह सकते हो कि बहुत बेटर ढंग से ऑन द सर्फेस ऑफ अ दैट इज एनी कंटेनर, वहां पे बहुत बेटर ढंग से वो पोजिशन होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज वॉट दिस सर्फेस
टेंशन, वो जो टेंशन क्रिएट होता है सरफेस के ऊपर, वही वाटर मॉलिक्यूल को उस कॉलम में प्रॉपर ढंग से बनाए रखता है। तो पूरा का पूरा दैट इज, यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल दैट इज पूरे के पूरे हैं, तो सरफेस टेंशन की वजह से वो उस एरिया में जो है दैट इज सिचुएटेड रहेंगे। अब इन तीनों फोर्स के कारण क्या होता है, वाटर अपवर्ड ट्रैवल करता है, और अपवर्ड ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, दैट इज कैपिलरी एक्शन से। तो ये सारे के सारे वाटर कैपिलरी एक्शन किस वजह से क्रिएट हुआ है, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि जब ऊपर में वाटर की कमी होगी तो ऑब्वियसली नीचे से ही डिमांड आएगा, राइट, कि हाँ रूट से डिमांड आएगा कि बेटा वाटर भेज दो, यहाँ पे जो है एरियल पार्ट में वाटर की कमी हो चुकी है। तो ये कैपिलरी एक्शन क्रिएट होगा और उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल जो है अपवर्ड साइड में ट्रैवल कर जाएंगे, और इस ढंग से जो है आपका पूरा का पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ थी दो से तीन चीजों में कि ट्रांसपिरेशन पूल में कितने फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, कैस्पियन स्ट्रिप का रोल क्या होता है, एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, एज वेल एज कौन, लाइक दैट इज योर कैस्पियन स्ट्रिप का दैट इज रोल कैसे होता है, क्या वो एपोप्लास्टिक पाथवे को रोकता है या सिम्प्लास्टिक पाथवे को रोकता है। सो विद दिस वी आर डन विद द वाटर ट्रांसपोर्ट, आई गेस यस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे दैट इज आपका फूड ट्रांसपोर्ट, कि ये कैसे होता है, एज वेल एज इसको जो है दैट इज हैंडल आउट कैसे किया जाता है, एंड आई थिंक लाइक नेक्स्ट वीडियो में हम मिनरल ट्रांसपोर्ट के बारे में भी डील कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप ये लेक्चर आप लोग को जो है पसंद आया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या PhD का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। WED में, एजुकेटिंग इंडिया।